शिवा की गाड़ी वंचिका, आप बैठ जाओ साइड में बैठ जाओ, आप ड्राइवर वाली वो कंडक्टर वाली सीट पर। ट्रेन चल दी है और शिवा बैठ के जा चुका है। हेलो गाइस, मेरा नाम है देवरत राणा और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को राम राम और आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आज होंगे कीर्तन होंगे चाचा जी के वहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा पिछले ब्लॉग में शुभम का, चाचा जी का लड़का है शुभम, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके ठीक होने के लिए तो चाचा जी के घर पर उन्होंने दुआ मांगी होगी कि फिर हम कीर्तन भी करेंगे जो वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब दुआ जो भी मांगा होगा उन्होंने, तो माता रानी ने अच्छे से ठीक किया, सब ठीक किया। तो अभी वे कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ये कीर्तन भी ये नवरात्रि के बाद ही हुआ है ना चा, बीच में कर ले ऐसा कुछ नहीं है, आज भी नवरात्रि है। नहीं मतलब नवरात्रि के टाइम पे ही हुआ है ना, वैसे तो नहीं होता। हाँ तो नवरात्रों के टाइम पे होता है, तो नवरात्रों आखिरी में लास्ट में आठवें पे कर लो या नौवें पे कर लो, तो आज नौ दिन हो जाएंगे व्रती को, आज आखिरी व्रत हो जाएगा, तो नवरात्रि करते हैं और आपको भी दिखाएंगे और वहाँ पर भी चलेंगे, बहुत सारा बहुत मजा आने वाला है और मेहमान सेहमान भी आने वाले हैं। तो चलो भाई दिखाएंगे आपको, अभी फिलहाल मैं घर भी हूँ, घर पर ही हूँ अपने, तो अभी चाचा जी की तरफ जाएंगे, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, पहले थोड़ा बहुत काम कुम भी करवाते हैं चल के। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस मैं चाचा जी की तरफ आ चुका था और अभी बाबा जी खाना खा रहे हैं, देख लो बाबा जी एक बार हाय कर दो, नू कर दो एक बार, नू कर दो एक बार हाय, हाँ बस खा लो ये देख लो। हाँ बाबा जी की उम्र हो रही होगी 80 तो ऊपर तो हो गए होंगे बाबा जी, 85-86 होंगे, 86-87 के करीब, 86-87 की उम्र हो चुकी है बाबा जी की। और ये देख लो ये जूली है, ये खाने के लिए बैठी है, बाबा जी ने अभी से एक टूक गया दिया था फिर भी, जूली पीछे बैठ जा, देखो अब सुनेगी बात सुने, जूली पीछे बैठ हटो हट जा, बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ बस, ये देख लो ये बैठ चुकी है। गाइस देख लो यहाँ पर माता रानी की तस्वीर रखी जाएगी, तो तैयारी चल रही है, अभी अभी अपने तरफ आया हूँ खाना पीना खा के, अभी वहाँ पर तैयारी चल रही है और मैं आपको दिखाता हूँ शिवा की गाड़ी, ये देख लो वंचिका बाबू आप आगे से हट जाओ, ये देख लो भाई प्रॉपर सीट भी लग रही है, हैंडल पैंडल भी है भाई, ये देख लो शिवा की गाड़ी वंचिका, आप बैठ जाओ साइड में बैठ जाओ, आप ड्राइवर वाली वो कंडक्टर वाली सीट पर बैठो आप, हाँ यहाँ बैठो बैठो भाई के साथ बैठो, राम तो नहीं नहीं शिव अपना आप अपना आप अपना आप, नहीं 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 शिव छोड़ दे, वो ये देख लो ये ओ ये देख लो भाई गाड़ी, तो गाइस चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं कीर्तन स्टार्ट हो चुके हैं और चलो ये चेक करो ये चल रहा है यहाँ पर कीर्तन, ये देख लो हमारे दास चंग, ये
नीतीश एवं नीति को हटा दे, नीति नीति मुझे मत दिला बाबू, आप ये कर रहा है, ये भैया क्या कर रहा है? हट जा बाबू, वो हट जा, वहाँ से तो आ गए थे, अभी चाय पी रहे हैं और सब आ चुके थे क्योंकि स्वाति दीदी और शिवा और दीदी जा रहे हैं तो उनको स्टेशन तक छोड़ के आना है, तो मैं ही जा रहा हूँ, पापा दुकान खोले रखेंगे तो चलते हैं वहाँ पर स्टेशन पर जाके छोड़ देंगे। मैं और छाया और छोटी बेबी भी आए हैं छोड़ने के लिए। वंशिका इसलिए आई है, रोने लगी, बुरी तरह रोने लगी कि पापा मुझे मतलब गाड़ी में बैठना, गाड़ी की थी से तो बैठेंगे, फिर कहा कि मगर छाया चल तू भी चल, तो देख लो अभी सो रखी है, तो अभी ट्रेन भी आने वाली है, जल्दी जल्दी जा रहे थे हम, तो दिखाते हैं आपको शिवा बैठ जाएगा, मेरे ख्याल से ट्रेन आने वाली है बस, तो चलो चलते हैं। ये सामने स्टेशन आ चुका है, ये चेक करो, ये बड़ौत का स्टेशन है, ये देख लो, ये देख लो, और ट्रेन आ चुकी है, जल्दी जल्दी चलते हैं। ये देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, ये देख लो ये आने लग रही है ट्रेन, ये आने लग रही है, जा रहा, इसे नींद आ रही है शिवा को, जा रहा, बाय बाय, ट्रेन आ गई ट्रेन आ गई ट्रेन। ये देख लो छाया तो छा में बैठ चुकी है वंशिका को लेके, ये आ चुकी है ट्रेन, ये देख लो, ट्रेन चल दी है और शिवा बैठ के जा चुका है। ये देख सकते हो, गाइस शिवा तो जा चुका है और छाया मैं अभी घर चलेंगे, छोटी बेबी सो रखी है, ये देख लो, आपको तो सोरी चैन थे मैं मार दी इसने, कुछ तो गर्मी कुछ नए कपड़े पहन ली, थक गई। तो चलो गाइस चलते हैं घर, अपना सीधा आपसे घर मिलते हैं। गाइस हम तो घर आ चुके थे, वो मतलब हमें एक घंटे हो गया था घर आए हुए,
घर आए हुए और मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी बुरी हवा चल रही है, बहुत ही ज्यादा, मतलब आंधी आंधी भी कह सकते हो छोटी बूटी, पर हवा तो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। पहले तो वो चेक करो झंडा कितनी तेज लहरा रहा है, और दूसरा ये चेक करो पेड़ को देखो, बहुत ही देखो बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही है, और इसे देख लो ये क्या 18 भाई। वहां पर सामने चेक करो जहां पर रोड है, वहां पर तो बहुत ही ज्यादा धूल उठ रही है, वैसे तो देख नहीं रहा फोन में तो, पर बहुत ही ज्यादा धूल उठ रही है, देख लो सामने। इस ब्लॉग का यहाँ पर ही करते समाप्त, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को देखते रहना। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए करता हूँ बाय बाय।